हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरा चित्रक है, देख रहे हैं कितने अच्छे से खिल रहा है। गर्मी, वैसे ये गर्मियों का प्लांट है मगर ज़्यादा गर्मी ये बर्दाश्त नहीं करता है, तो इसे इस तरह से मैंने झुरबुट में रखा है। धूप लगती है मगर सुबह की नहीं लगती है, दोपहर की लगती है, 4 बजे के करीब, 5 बजे करीब लगती है, 4 बजे से लगती है यहाँ पर धूप। तो ये अच्छे से फूल खिल रहे हैं। जब मैंने इधर लगा रखा था, यहाँ पर लगा रखा था, तो बिल्कुल ड्राई हो गया था, इनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, मगर अब इसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। देखिए, और ब्रांचें भी बढ़ रही हैं इसकी, क्योंकि ह्यूमिडिटी इसके अराउंड रह रही है। तो कोई भी प्लांट हो, इस तरह से मैंने बकेट भर भर के रखी हुई है, तो कोई भी प्लांट हो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दोपहर की तेज़ धूप नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ये प्लांट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम अपने प्लांट को ठीक से रखें। और पानी भी मैं देती रहती हूँ, सुबह में पानी दे देती हूँ और इसको भर के रख देती हूँ। ये बॉटल देख रहे हैं आप, ये इसमें मैं भर के रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे से इस तरह से पानी मिलता रहता है। तो ये अभी भी देखिए नमी है इसमें, इसीलिए इसमें अच्छे से ये चल रहा है। कभी भी अपने प्लांट को ऐसे मत छोड़िएगा, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मी में अगर एक टाइम भी पानी नहीं देंगे ना, तो प्लांट की हालत ख़राब हो जाती है। देखिएगा आप खुद ही अपनी आँखों से कि कितनी बुरी कंडीशन हो रही है एक टाइम पानी ना देने से, वो ठीक से पानी ना देने पे धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो चित्रक हुआ या कोई भी प्लांट हुए, तो उन्हें थोड़ा सा ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इन्हें थोड़ा सा नमी मिले, मॉइस्चर मिले, पानी का स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने डाला था, तो उसका भी असर कुछ दिख रहा है इस पर। लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छा रहता है इनके लिए, ये मैंने घोल के रखा हुआ है, तो यही मैंने डाला था। तो ये अच्छे से इसे ऑब्जर्व कर लिया, ये खूब अच्छे से चल रहा है प्लांट। तो चित्रक में अब ये ढेर सारे फूल खिल रहे हैं एक साथ, देख रहे हैं बंचेस में फूल खिल रहे हैं, बहुत ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। तो इस हिसाब से इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कुछ ये मॉर्निंग ग्लोरी भी, इसके सीड वगैरह गिर गए होंगे तो वो भी निकल रही है। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मैं रिपोर्ट ही करूँगी, क्योंकि रूट प्रूनिंग भी ज़रूरी हो जाती है प्लांट की। वैसे तो रूट फिलिंग मैंने कर दी थी, मगर मैं इसे रूट प्रूनिंग भी करूँगी। और ये देखिए मेरा एस्टर अभी भी खिल रहे हैं, ये देखिए एक ये है फूल, एक ये खिल रहा है फूल, ये देखिए एक ये फूल खिल रहा है। तो एस्टर भी अभी खिल रहे हैं, एक दुक्का प्लांट रह गए हैं जो वो खिल रहे हैं मेरे यहाँ। और बहुत ढेर सारे फूल आ रहे हैं इसमें चित्रक में, तो इसे मैं निकाल दूँगी, क्योंकि रूट 14 इंच का पॉट है और रूट इसकी भी बढ़ती हैं बहुत तेज़ी से, वाइन है तो इसकी रूट बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इसे निकाल दूँगी, केवल चित्रक ही रहने दूँगी। वैसे नेचर तो दोनों का एक ही है, गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं दोनों, गर्मी में रहना चाहते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पानी दोनों को चाहिए, दोनों को गर्मी है, मगर फिर भी इसे मैं निकाल ही दूंगी, क्योंकि ये इसकी रूट को बढ़ने नहीं देगा, चित्रक की रूट को। तो इसे मॉर्निंग ग्लोरी को निकालना ही सही रहता है। और इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना फील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या आप इसमें गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। वेजिटेबल्स को सबको इकट्ठा करके रख दीजिए एक में, एक पानी बाल्टी में, और पानी भर दीजिए, उसमें गोड़ डाल के रखिएगा, फिर उसे भी आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जियों का, फलों का फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा रहता है। आम के छिलकों का भी इकट्ठा करके रख लीजिए आप, उन्हें भी डाल सकते हैं। और पानी का विशेष ध्यान रखिए गर्मियों में, सर्दियों में तो इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर पानी या कोहरा ना पड़े। तो मैंने लास्ट ईयर इधर इस साइड में, यहाँ पे बालकनी में रख रखा था, इस साइड में दिखाती हूँ मैं आपको, ये नीचे, इसके नीचे जो बालकनी है वहाँ पे मैंने रख रखा था। मगर अब यहाँ पे जैसे गर्मी, धूप और वो गर्मी स्टार्ट हुई, तो फरवरी में मैं ऊपर ले आई थी, फिर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। देखिए कितनी बड़ी हो गई है मॉर्निंग ग्लोरी, इसे निकालना ही, देखिए कितनी बड़ी है। और अभी इसमें और भी है ये, तो ये सारी इसकी ग्रोथ ले लेगी, देखिए है, तो इसे निकालना सही रहता है। और ये मेरी चंपा है, छोटी सी ड्वार्फ वाली चंपा है, इसमें खूब फूल खिल रहे हैं, है ना। तो आप चित्रक में बस लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए अभी, और पानी आप दोनों टाइम भी दे सकते हैं। बरसातों में इग्नोर कर रही है पानी, बरसातों में तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर गर्मी में पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, और गर्मी बहुत हो रही है, दोनों टाइम दीजिएगा। या इस तरह से बॉटल भर के रख लीजिएगा, देखो आज मौसम क्या कहता है, बारिश क्या कहती है। अगर हो जाती है बारिश तब तो अच्छा है, नहीं तो बहुत दिक्कत है, बिना पानी के प्लांट की हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल सूख रहे हैं मेरे प्लांट सभी। ये बोगनविलिया, ये तो इसकी भी हालत ख़राब हो गई, देख रहे हैं आप, ये तो पानी ना मिलने से इनकी कंडीशन भी ख़राब हो रही है। और ये देखिए ये बोगनविलिया, ये मेरी बोगनविलिया तो खिल रही है, पर और प्लांट की हालत ख़राब हो रही है। देखिए
कुछ रिपोर्टिंग का भी असर अच्छा होता है, पॉजिटिव असर आ जाता है। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, ये भी कितना फैल रही है। अब इससे जैसी रिपोर्ट हुई है, ये बड़े पॉट में जगह मिली है, वैसे ये भी काफ़ी फैलने लगी है। इधर पूरा कवर कर लिया, उधर पूरा कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।